क्या हुआ अगर लोग पीटीए के सिस्टम और पीटीए को सीरियस नहीं ले रहे, लेकिन पीटीए तो लोगों को सीरियस ले रही है ना। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अमाजेब और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, अगर आप एक स्मार्टफोन यूजर हैं और आप उसके अंदर स्मार्टफोन के अंदर कोई भी सिम्स वगैरह यूज करते हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना। और जो लोग कॉन्शियस है कि पीटीए अभी आने वाले टाइम में क्या स्टेप लेने जा रही है और उसकी न्यू अपडेट आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि उन्होंने क्या एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है जिसको जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और हर पाकिस्तानी को जानना जरूरी है जो कि एक स्मार्टफोन यूजर है या अपने मोबाइल फोन के अंदर सिम्स वगैरह को यूज करता है। तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देख लेना, मैं डिटेल में समझाऊंगा कि क्या पीटीए ने अभी एक स्टेप लिया है जिसके बाद जो है वो काफी ज्यादा कंट्रोल हो जाएगा, मतलब कि ये जो पीटीए का सिस्टम था और जल्दी पाकिस्तान के अंदर जो मोबाइल फोन की जो इंपोर्टेशन है उसका सिस्टम भी अच्छा होने वाला है और आने वाले टाइम के अंदर किस तरह से जो कंपनी ने वो प्लांट अपने पाकिस्तान के अंदर लगाएंगी और सारे फोन यहाँ बनेंगे और फोन सस्ते भी हो जाएंगे। तो अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ एक बेल का आइकन होगा उसे भी लाजमी प्रेस कर लें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार अभी बात कर ली जाए पीटीए की, थोड़ा सा बैक एंड पे जाए हम, तो यार अक्टूबर का टाइम था 2018 के अंदर, मैं बार बार बता चुका हूँ लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, अक्टूबर का टाइम था 2018 के अंदर ये जब पीटीए की पॉलिसी आई थी जिसमें ये उन्होंने कहा था कि जो भी जिन मोबाइल फ़ोन का टैक्सेस वगैरह पे नहीं हुआ, जो स्मगल्ड हैं या चोरी के हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने एक डेट दी थी, उन डेट के बाद जो मोबाइल फ़ोन थे वो बंद हो जाने थे, लेकिन लोगों ने इस बात को सीरियस नहीं लिया और पीटीए की गलती थी क्योंकि उन्होंने लोगों को अच्छे तरीके से गाइड नहीं किया कि जो मैसेजेस वगैरह का उनका तरीका था कि आपका अगर मोबाइल फ़ोन टैक्सशुदा पेड नहीं है तो वो मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया जाएगा, उसको बताने का तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो इसमें पीटीए की भी गलती थी, लोगों की भी गलती थी, तो काफ़ी अरसे तक यही चलता रहा, पीटीए ने अपनी जो डेट्स थी वो आगे करते रहे, लेकिन फाइनली अभी एक दो महीने हुए हैं पीटीए ने ये चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया था और टैक्सेस भी लगा दिए थे और काफ़ी मोबाइल फ़ोन इसकी वजह से बंद हुए, जबकि जो वारंटी शुदा मोबाइल फ़ोन आ रहे थे पाकिस्तान के अंदर वो भी बंद हुए, काफ़ी ज़्यादा बंद हुए हैं। क्योंकि मुझे पता है, मैंने भी एनालाइज़ किया कि जो वारंटी के साथ भी मोबाइल फ़ोन आ रहे थे वो भी पीटीए ब्लॉक कर रही थी क्योंकि पीटीए का सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा था और जो टैक्सेस थे वो बहुत ज़्यादा थे। आपको अगर टैक्सेस की वीडियोज़ को देखना है तो मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं या मैं आई कार्ड के अंदर वो वीडियोस के लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इजीली देख सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि रिसेंटली जो पीटीए ने वो टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा कम कर दिए थे, इतने भी कम नहीं हुए थे लेकिन कम हुए थे, उसके अंदर उन्होंने बता दिया क्या था कि अगर आप अभी मोबाइल फ़ोन कोई भी लेके आते हैं बाहर के मुल्क से तो आपको पता लग जाएगा, जब आप मोबाइल वहाँ से ले रहे होंगे दुबई के अंदर ही तो आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन $300 का है तो उसके अंदर जो है उसके ऊपर कितना जो है वो टैक्स लगने वाला है पाकिस्तान के अंदर आने के बाद। क्योंकि पहले ऐसा था कि जो भी आप मोबाइल फ़ोन लेते थे आपको नहीं पता था कि इसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, आपको उसके सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर लाना था, उनकी वेबसाइट के ऊपर जाना था, वहाँ रजिस्टर करवाना था, उसके बाद आपको पता लगता था कि एग्जैक्ट अमाउंट क्या है जो आपने जो है वो टैक्स देना है। तो लेकिन इसके बाद उन्होंने एक शीट दे दी थी जिसके अंदर विथहोल्डिंग टैक्स था और जितने भी दूसरे टैक्स होते हैं वो सारे थे कमर्शियल और बैगेज वाले, जो कमर्शली मतलब सेल के लिए मोबाइल फ़ोन मंगवाते हैं उनके लिए क्या टैक्स था और जो वैसे ही लेके आते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए या अपने पर्सनल यूज़ के लिए उनके के लिए क्या टैक्स लगा दिया। तो खैर बात करें अब की आज की कि क्या अपडेट आ रही है और पीटीए फ्यूचर के अंदर क्या करने वाली है। अब तो अभी पीटीए ने अनाउंस किया है सुबह कि पीटीए क्या करेगी 31 अगस्त 2019 के बाद जितने भी स्मगल्ड और चोरीशुदा मोबाइल फ़ोन हैं उनको टोटली ब्लॉक कर देगी। और उसके अलावा ये बात मेरी ध्यान से सुनना, उसके अलावा जो अगर आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं जो कि ड्यूल सिम वाला स्मार्टफोन है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में यही कहा था कि अगर आप मोबाइल फ़ोन के अंदर सिम्स वगैरह यूज़ करते हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देख लेना वीडियो को। तो ये वही पार्ट है जो अभी मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास ड्यूल सिम वाला मोबाइल फ़ोन है और उसके अंदर 2 IMEI हैं, वो तो जाहिर सी बात है 2 ही होंगे क्योंकि अगर आपका ड्यूल सिम वाला फ़ोन है उसके अंदर मोबाइल के अंदर IMEI भी 2 ही होंगे, एक 1 IMEI और एक 2। तो उसमें से अगर आपका
एक IMEI रजिस्टर है और सेकंड वाला नहीं रजिस्टर, या सेकंड वाला रजिस्टर है IMEI और फर्स्ट वाला रजिस्टर नहीं है, तो आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो टोटली PTA से ब्लॉक्ड कर दिया जाएगा 31 अगस्त 2019 को। ये बात कन्फर्म है। और जो चोरी और स्मगल का कह रहा हूँ उसकी जो डेट है वो आगे भी हो सकती है। वो कहा जा रहा है कि शायद अक्टूबर के महीने के अंदर, अक्टूबर 2019 के अंदर, जो कि अभी 2 महीने हैं उसमें, उसमें जाकर बंद होंगे। लेकिन अगर आपके पास डुअल सिम वाला मोबाइल फ़ोन है और उसका कोई भी एक IMEI रजिस्टर नहीं है, तो काइंडली अपना मोबाइल फ़ोन जल्द से जल्द PTA से वेरीफाई करवा लें, वरना 31 अगस्त 2019 की डेट आ चुकी है। इसके बाद जितने भी ये मोबाइल फ़ोन होंगे, अगर किसी का एक IMEI रजिस्टर नहीं है तो वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे। क्योंकि अब तक क्या था कि लोग चोरी के मोबाइल फ़ोन चला रहे थे और काफ़ी ज़्यादा चला रहे थे, ड्यूल सिम वाले फ़ोन थे, एक उन्होंने 2 नंबर तरीके से वेरीफाई करवा लिया था IMEI और दूसरा हुआ नहीं था, तो इस तरीके को भी हैंडल कर लिया। PTA ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट इसके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया है। तो अब 31 अगस्त आपको पता है कुछ ही दिन में आने वाला है, आज 18 अगस्त की डेट है आई थिंक, तो या 19 डेट है, तो 11-12 दिन रह गए। तो आप काइंडली अगर आपके पास ऐसा मोबाइल फ़ोन है जो कि PTA से वेरीफाई है लेकिन उसका एक IMEI वेरीफाई है, तो उसे काइंडली दोनों IMEI उसके वेरीफाई करवा लें, तो उसके बाद आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको वेरीफाई कैसे करवाना है, एक जो है वो ईमेल है PTA वालों का, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के, वहाँ आपने जाना है ठीक है। उन्हें ईमेल के अंदर आपके मोबाइल के IMEI के स्क्रीनशॉट, अब IMEI कैसे निकालते हैं, *06#, ये तो सबको ही पता होगा, उसका स्क्रीनशॉट आपका जो मोबाइल फ़ोन का बॉक्स है उसके ऊपर जो IMEI है, क्योंकि वो मैच करेंगे कि मोबाइल का IMEI और जो आपके बॉक्स का IMEI है वो सेम हो, तो इन दोनों के IMEI की पिक्चर और उसके अलावा आपके CNIC की कॉपी और उसके अलावा अपनी जितनी भी डिटेल्स हैं, आपका नाम वगैरह और आपका अगर बाहर से आए हैं तो आपका पासपोर्ट नंबर वगैरह और आपका जेंडर वगैरह वो सारा मांगेंगे, आपका मोबाइल फ़ोन नंबर। उसके बाद क्या होगा कि आपको वो ईमेल उनको भेज देनी है, जो भी मैं ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा, तो उसके बाद आपका मोबाइल फ़ोन वेरीफाई हो जाएगा। अगर आप ये नहीं करते तो 31 अगस्त 2019 के बाद ये सब मोबाइल फ़ोन बंद हो जाएंगे जिनका एक भी IMEI रजिस्टर ना हुआ। अगर तो अगर इसके अलावा कोई अपडेट आती है तो मैं वीडियो बनाकर आपको लाजमी बता दूंगा। अगर डेट के अंदर कोई अपडेट आती है, शायद डेट आगे भी हो जाए, लेकिन अभी तक यही डेट है 31 अगस्त 2019। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।